अपनी जिंदगी में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने थक हार कर बिलाखिर हमारे 4NK न्यूज के थ्रू चाहा कि वो अपना ये मैसेज आप तक पहुंचा सके। तो जानने के लिए आप ये पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा। The pain is mightier than the sword. एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश ऑथर गुजरे हैं, एडवर्ड बुलवेर। इन्होंने 1839 में ये बात कही जो आज 100% सही साबित हो रही है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ 4NK न्यूज। आज 10th जून फ्राइडे 2022, आज एक और विक्टिम अरशद अली शेख हमारे स्टूडियो में विथ हिज ग्रीवेंसेस कि किस तरीके से जो बिल्डर लॉबी है तुलसीवाड़ी ताड़जो मुंबई नंबर 34 की, जो बिल्डर लॉबी है जो इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, किस तरीके से ये विक्टिम पिछले 20 सालों से या उससे जायद जिस घर में रह रहा है उसी घर को इनको पता भी नहीं, उस घर को पहले ट्रांजिट में दूसरे को अलॉट करे और उसके बाद जो परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन है वो दूसरे को अलॉट करे। आज ये विक्टिम हमारे स्टूडियो में आए विथ हिज ग्रीवेंसेस, तो मैं अरशद अली शेख से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यूवर्स को जो इनके साथ नाइंसाफी हुई है डिटेल में बताएं। मिस्टर शेख, सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बताइए और आप तुलसीवाड़ी में कहाँ रहते हैं वो पूरा एड्रेस व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम है अरशद अली शेख और मेरा एड्रेस है डीएमसी रूम नंबर 62 नियर नगीना मस्जिद बिहाइंड पोस्ट ऑफिस न्यू अप्रोच रोड मुंबई 34। आपने जो ये घर लिए जो प्रिंसिपल टेनेंट था कब लिए और उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोहम्मद शमशुल, जिससे मैंने पोजीशन लिया है 2001 में। यहाँ पे जो बिल्डर लॉबी आई, जैसे कि बिल्डर का नाम है मंगल सृष्टि गृह निर्माण संस्था, ये बिल्डर डेवलपर है और इसी ने जो है वहां के रेसिडेंट और जो शॉप डीलर है जो दुकान के मालिक है उनसे कंसर्न साइन किया। तो आपके घर पोजीशन में लेने से पहले बिल्डर लॉबी आई थी कि बाद में आई थी? ये पहले आई थी। कौन से साल में? ये 1995 में। और आपने जो पोजीशन लिए 2001 में लिए? 2001 में मैंने पोजीशन लिया है। और उस दिन से खुद ही रह रहे हो, ना भाड़े पे दिए ना कोई थर्ड पार्टी को दिए, अपनी फैमिली के साथ खुद ही रह रहे हो? मेरी फैमिली, मेरी मम्मी और मेरे साथ में रहते हैं। और ये जो घर है जिस घर पे आप रह रहे 2001 से, तो यकीनन लाइट बिल आपके नाम पे होगा, यकीनन आधार रहेगा, यकीनन वोटिंग कार्ड रहेगा, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, पासपोर्ट रहेगा वगैरह वगैरह, तो ये सब आपके नाम पे ही है ना? ये एड्रेस में मेरा तीसरा पासपोर्ट जनरेट हो रहा है और मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए और यही जवान हुए और मेरे डैडी की भी इसी घर में डेथ हुई है। जब आप 2001 से रह रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम पे है एक्सेप्ट फोटो पास और वो जो वहां का शेयर सर्टिफिकेट है वो दो छोड़ गए क्योंकि वो प्रिंसिपल टेनेंट के नाम पे जिसका 1995 में नाम था, जब एनएक्सचेक बना था क्योंकि आपने जब पोजीशन लिया उससे पहले एनएक्सचेक बन चुका था। तो जब आप वहां 2001 से रह रहे तो ये जो सोसाइटी है तुलसीवाड़ी नव निर्माण एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, तो यकीनन इसके जो मेंबर्स होंगे तो ये वहीं के होंगे ना,
कहीं आसमान से तो नहीं आए होंगे? सब वहीं के और सब मुझे जानते हैं, मेरी पैदाइश यहीं की है। और ये जो आपकी सोसाइटी है मेघ सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, तो इसके भी जो ऑफिस बेरर है आपको जानते ही होंगे? सब टोटल मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग की पैदाइश यहीं की, सब जन जानते हैं। तो क्या वजह है कि जो ये आपका घर है DMC 62 जी, इसके अल्टरनेट में जो ट्रांजिट मिला था T11 जी, वहां तो आप गए नहीं? मुझे पता ही नहीं ये T11 में कौन रह रहा, मैं अपनी पोजीशन में रह रहा हूँ। और अब जो परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन मिला, यानी कि ये जो पुराना घर रहता है और SRA के तहत और बिल्डर लॉबी BMC मिलकर जो घर बनाते हैं, और जो इस पुराने घर DMC 62 के अवध में जो टावर में घर मिलता है, जो कि बिल्डिंग नंबर A6B में जो घर मिला, तो वो घर आपको मिला? नहीं मिला मुझे। वहां पे कौन रह रहा है वो मुझे पता नहीं, गैर कानूनी तौर पे कौन रह रहा है वो मुझे पता नहीं। तो ये जितने भी ऑफिस बेयर है तुलसीवाड़ी नव निर्माण SRA कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की या मेघ सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के, सब अरशद अली अंसारी शेख को जानते हैं, सब जानते हैं इनको कि ये रह रहे हैं 2001 से, आज 20-21 साल हो चुके हैं। तो क्या वजह है ये ऑफिस बेयर ने अरशद अली शेख को चीट किए? मिस्टर अरशद मुझे एक चीज बताइए, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है जो तुलसीवाड़ी नव निर्माण SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने दी, जिसका सीरियल नंबर है 494, मेंबर रजिस्टर नंबर है 0494, जिसका डिस्ट्रिक्टिव नंबर है 2466 से लेके 2470, यानी 4 शेयर से 50 रुपए वाले, जो 26 जनवरी 2000 को इश्यू हुआ, ये उसकी कॉपी है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट जो 26 जनवरी 2000 में बना था, ये आपको कब मिला? ये मुझे मिला है December 21 में। क्यों 21 में मिला, 20 साल बाद क्यों मिला? क्योंकि ये तो मेरे हाथ में दिए ही नहीं लोगों ने, सोसाइटी ने। जब मुझे पता चला कि लोगों से कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है, तो फिर उसके बाद में मैंने पेपर चलाया, BMC में भागम दौड़ी किया, तो फिर उन लोगों ने सोसाइटी वाले लोग ने मुझे ये बुला के दिए। जरा कॉपी बताइए जो भी आपने कंप्लेंट की, ये सब मैंने कंप्लेंट किया हुआ है, ये सब RTI के ये पूरे है। हाँ। उसके बाद में ये असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को किया है, फिर आपने नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने बहुत लंबी चौड़ी कंप्लेंट की है, ये गया है करीब 10 डिपार्टमेंट में, ये टोटल सबको मैंने किया है। आपने चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, होम मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई, म्युनिसिपल कमिश्नर, चीफ ऑफिसर SRA, ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर जोन 1, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर डी वार्ड और कॉलिंग ऑफिसर डी वार्ड, ये सबको आपने कॉपी दी? और ये सबको मैंने दिया है, और मैं और आगे भी करूंगा जो मेरे साथ नाइन साथ नहीं। और कॉपी बताइए व्यूवर्स को, क्या क्या आपने कॉरेस्पॉन्डेंस की, कंप्लेंट की है, RTI की है? ये टोटल मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, ये सब टोटल पूरा बंच है, और ये पूरा RTI पूरा, ये जो BMC का जितना भी लेट। हाँ, ये बताइए ये RTI है, और RTI से जब ये सेटिस्फाई नहीं है मिस्टर अरशद अली शेख, तो ये अपील में गए, इसमें सब अपील की भी कॉपी लगी हुई है, सब अपील के आंसर भी है। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा ना, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी कि पेन की जो ताकत है वो तलवार से ज्यादा है, या दूसरे रवैये में ये कह सकते हैं कि तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है पेन। तो जब अरशद अली शेख ने कलम उठाए, जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, जो इनके जान पहचान वाले जो ऑफिस बेरर है ये सोसाइटी के मेघ सागर के, जो इनके साथ बचपने में खेले होंगे, जब ये बचपन के दोस्तों ने धोखा दिए, तो इनके दिल पे बहुत ज्यादा असर हुआ। और मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस जवानी में अरशद अली शेख हार्ट की बीमारी से सफर हुए। और आपका क्या ट्रीटमेंट, जरा व्यूअर्स को बताइए? मेरा जब ये सुना कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे हार्ट अटैक आया, और मेरे के 2 स्टेन डले हुए, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मेरी माँ प्रेशर में, मेरे भाई का ओपन बायपास हो गया है, पूरी फैमिली मेरी है ना पूरी डिस्टर्ब हो गई है। ये लालची ऑफिस बेरर के चक्कर में एक हेल्थी जवान इतनी सारी बीमारियों से मुब्तला हो गया, ये एक देन है। ये जो ऑफिस बेयर बिल्डर के, ये उनकी देन है,
अरशद अली शेख उनके साथ बचपन में खेले होंगे, क्रिकेट खेले होंगे, पतंग उड़ाएंगे, ना जाने कौन कौन से गेम खेले होंगे और सब इनको जानते हैं, फिर भी इनके साथ चीट हुआ, फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ। मिस्टर अरशद अली शेख, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो तुलसीवाड़ी नव निर्माण SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड है, जो ये सोसाइटी है, इसके मेन ऑफिस बेरर कौन है, जरा उनका नाम बताइए और उनका क्या डेजिग्नेशन है वो भी बताइए। सब सेल्फ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, ये आप चेयरमैन देखोगे, सेक्रेटरी देखोगे, जैसे चेयरमैन है हरीश दारिया और हॉनेबल सेक्रेटरी है अब्दुल रहमान कादरी और मेंबर ऑफ कमेटी है लक्ष्मण कोहली उर्फ मुन्ना कोहली। अच्छा, ये जो मेघ सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जैसा कि तुलसीवाड़ी में 16 सोसाइटी जिसमें से एक ये है, इनका मर्जर होके ये तुलसीवाड़ी नव निर्माण बनी थी SRA, तो ये मेघ सागर में कौन ऑफिस बेरर है जो मेन, उनके नाम बताइए। लक्ष्मण कोहली और मुन्ना कोहली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब DMC 62 में अरशद अली शेख अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और इनका घर आज तक वैकेंट नहीं हुआ है, कोई वैकेंट नोटिस नहीं मिला है, इनको आज तक कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है जो परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन है बिल्डिंग नंबर A6B, तो क्या वजह है? ये तो अपने ओरिजिनल घर में रह रहे हैं और इस घर के अवज में जो PAA परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन बिल्डिंग नंबर A6B में अलॉट हुआ है, तो किस तरीके से ये ऑफिस बेरर ने आग बंद करके उस नए चेहरे को, न्यू फेस को वो घर अलॉट किए? इसका मतलब ये कि ये ऑफिस बेरर ने अरशद अली शेख का जो घर है DMC 62, इसके अवज में जो PAA मिला है उसको बेच दिए, जो कि ओपन चीटिंग है, फ्रॉड है, ब्रिच ऑफ ट्रस्ट है। और जब अरशद अली शेख को इसका एहसास हुआ, इन्होंने टेंशन लिए, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए, हार्ट सफर हुआ है, डायबिटीज हुआ है और भी बीमारियां हो गई, तो ये सारी देने ये जो ऑफिस बेरर है तुलसीवाड़ी नव निर्माण SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एज वेल एज मेघ सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। मिस्टर अरशद अली शेख, आपके साथ तो ओपन चीटिंग हुआ है जी सर, और ये जो ऑफिस बेरर है इन्होंने मिलके, हो सकता है कि बिल्डर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, हो सकता है या बिल्डर भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो भी हो, तो आपके साथ तो ओपन चीटिंग हो चुका है, तो अब आप स्टेट के CM उद्धव बाला साहब ठाकरे, स्टेट के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई संजय पांडे, इनसे आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर, मैं इंसाफ चाहता हूं आप लोगों से, आप इतने बड़े लोग हैं, आप खाली हमारी तरफ देख भी लेंगे ना तो हमारी 10,000 फैमिली जो तुलसीवाड़ी में रहती है वो सेफ हो जाएगी। और सेकेंड हैट्रिक मारने वाले सीधे मंगल प्रभात लोधा जी से भी मेरी अपील है, चीफ मिनिस्टर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से भी अपील है, और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मुंबई पुलिस कमिश्नर मिस्टर संजय पांडे जी से भी सर मैं दरखास्त करता हूं, सर आप सिर्फ हमारी तुलसीवाड़ी पे झांक लीजिए तो हमारी 10,000 फैमिली कम से कम सेफ हो जाएगी, जो ये अंधा कानून चल रहा है वो बंद हो जाएगा। मेरी एक और लोगों से भी अपील है, खास करके तुलसीवाड़ी लोगों से, कि जो कानूनन तरीका बनता है खाली करने का वही तरीके से आप लोग खाली कराए, जो गैर कानूनी तरीका होता है वो आप ना अपनाए। अगर कोई भी आपका बिल्डर का एजेंट आता है, सबसे पहले आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो कि इसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, और अगर वो नहीं सुनता है, आपको जबरदस्ती कराता है, तो आप जो लीगल एक्शन लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी M पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, हम भी रिकमेंड करेंगे अरशद अली शेख लाइक माई यंगर ब्रदर, तो इनके साथ जो ना इंसाफी हो रही है, खुले तौर पे ना इंसाफी हो रही है, कोई ढगा छुपा नहीं है, खुले तौर पे ना इंसाफी हो रही, तो आप ये जो ऑफिस बेरर है, ये जो बिल्डर के कार्यकर्ता है, इन्होंने जो अरशद अली शेख के साथ चीट करे, तो सबसे पहले तो उनपे FIR होना चाहिए।
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये डिडक्शन में आता है तारदो पुलिस स्टेशन के और साथ ही साथ डी वार्ड म्यूनिसिपल ऑफिस नाना चौक के। तो अब इन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक हेल्थी जवान वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और ना जाने कितनी बीमारी में मुब्तला होगा जैसा इन्होंने कहे। तो जो एजेड है, सीनियर सिटीजन है, जिनके साथ चीट हो रहा है या हुआ है, वो क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अरशद अली शेख के साथ कोई भी ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले ये वीडियो तो वायरल होने के सबसे पहले इनको जो इनका PAA परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन है इन लिए ऑफ इनका जो ओरिजिनल रूम है DMC 62 उसकी चाबी इनको मिलना चाहिए। इनके जो PAA में जो भी रह रहा है, थर्ड पार्टी रह रही है, इलीगल वे से रह रहा है, उस पे भी FIR होना चाहिए। ये जितने घर बनते हैं SRA के तहत बनते हैं, ये 10 साल तक ना बेच सकते, ना भाड़े पे दे सकते, ना ट्रांजेक्शन कर सकते कुछ भी। तो ये लीगल वे से हुआ है सब और इसमें सब योगदान है ऑफिस बेरर ऑफ दिस सोसाइटी। तो अरशद अली शेख को उसका इंसाफ मिलना चाहिए, उसको उसका PAA मिलना चाहिए इन लिए ऑफ रूम नंबर DMC 62 और इनके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने कितने चिरागों का हौसला हूं मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।